my happy family. दम घुटता है मेरा यहाँ इस घर में तुम्हारे साथ, नहीं रह सकता मैं यहाँ। ये घर नर्क से भी बदतर है, ऐसा होता है परिवार। छी, मुझे शर्म आती है। मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ राघव। अप्पा, अप्पा रुको, अप्पा, रुको, अप्पा, अप्पा, अप्पा रुक जा, अप्पा, अप्पा, अप्पा मत जाओ, अप्पा। काश मेरी भी हैप्पी फैमिली होती। फियर फाइल्स में आज देखिए बेंगलोर में घटी एक सच्ची कहानी, कैसे नए घर में सौम्या का सामना हुआ एक ऐसे अनहोनी से जिसने तबाह कर दिया उसका बचपन। सौम्या! क्या थी ये अनहोनी? जानने के लिए देखते रहिए फियर फाइल्स, डर की सच्ची तस्वीरें। हमेशा ये पिक्चर्स देखती रहती है मेरी गुड़िया। अम्मा देखो ना, पिक्चर्स है ही इतनी अच्छी, हम सब कितने अच्छे लग रहे हैं। मेरी फैमिली सबसे बेस्ट है। सौम्या बेटा, ये नया घर तुम्हें कैसा लगा? बस बेटा, अब अम्मा बहुत थक गई, बाकी की सेटिंग कल कर लेंगे। अब सो जाओ। अम्मा मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा है, मुझे आपके साथ सोना है। अरे सौम्या, अब तुम बिग गर्ल हो ना, और बिग गर्ल्स तो हमेशा अपने रूम में ही सोती है। चलो 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 सो जाओ। गुड नाइट।
कल मुझे ये ड्राइंग बुक बेड के नीचे मिली। लगता है हमसे जो यहाँ पहले रहते थे उनकी बुक होगी। तुम ड्राइंग करो, अम्मा खाना बनाने जा रही है, और ये जूस भी फिनिश करना। हाँ सौम्या, मुझसे दोस्ती करोगी? डरो मत, मैं तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता हूँ। मैं राघव हूँ। मेरा नाम सौम्या, तुम हो कहाँ? यहाँ इस घर में, और आज से मैं तुम्हारा इनविजिबल फ्रेंड। ये मेरे ताता यानी मेरे दादू, ये अप्पा, ये अम्मा और ये मैं हूँ। मेरी फैमिली ना बहुत अच्छी है और मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मैं ना तुम्हें भी उनसे मिलवाऊंगी। पता है अब तो तुम भी मेरे फ्रेंड बन गए हो, तो वो तुम्हें भी प्यार करेंगे। सौम्या, सौम्या, बेटा यहाँ आना। अम्मा आई। तुम तब तक मेरे टॉयज के साथ खेलो, मैं आती हूँ। मुझे भी हैप्पी फैमिली चाहिए। सौम्या, उफ़ो, कितना मेस में है कमरा। चलो सौम्या उठो। सौम्या उठो बेटा। रूम कितना डर्टी है, सब कुछ बिखरा हुआ है। अम्मा ये मैंने नहीं किया, ये राघव ने किया। कौन राघव? अम्मा राघव मेरा फ्रेंड, आप कल उसकी स्केचबुक देख रहे थे ना, उसको हमारी फैमिली बहुत अच्छी लगती है। लेकिन राघव यहाँ कैसे आएगा? वो तो अपने न्यू घर में शिफ्ट हो गया होगा ना। नहीं अम्मा, राघव यही है, वो यही रहता है। अच्छा ठीक है, तो अब अपने राघव को ही बोलो कि ये सब कचरा साफ करे, और तुम जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, समझी बदमाश बच्ची। उस दिन पहली बार सुपर्णा ने राघव के बारे में सुना, और उसे लगा कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बच्चे अक्सर अपनी इमेजिनेशन से दोस्ती कर लेते हैं। सौम्या एक बहुत ही फ्रेंडली लड़की है और बहुत जल्दी सबसे घुल मिल जाती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये चीज उस पर बहुत भारी पड़ेगी, और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उस घर में अजीब अजीब सी चीजें होने लगी। और कुकीज नहीं मिलेगी, पहले ही बहुत खा चुकी हो। प्लीज ना अम्मा, वैसे भी ये मेरे लिए नहीं है, राघव के लिए। ओफो। प्लीज तुम और तुम्हारा राघव। ये एक लास्ट, इसके बाद नहीं मिलेगी। ओके जाओ। ये
अरे सौम्या, सौम्या मैंने आपको मना किया था ना और कुकीज लेने के लिए, आप बिल्कुल मेरी बात नहीं मानते हो। अम्मा मैंने नहीं किया, वो राघव ने किया था। बहुत हो गया मजाक, अपनी हर गलती राघव पर थोप देते हो। और कोई राघव आघव नहीं है, बंद करो ये ड्रामा। अम्मा राघव है और वो अभी भी तो इधर ही तो था। इनफ सौम्या इनफ, तुम्हारी शैतानियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही, अगली बार मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं। अयो क्यों डांट रही हो सौम्या बच्ची को? देखे ना मामा कितनी शैतानी करती है, ऊपर से अपनी गलती मानने को भी तैयार नहीं है। मैंने कुकीज के लिए इसे मना किया था लेकिन फिर भी इसने मेरी बात नहीं मानी। कोई बात नहीं बेटा, अरे यही तो उम्र है उसकी कुकीज और चॉकलेट खाने की, अभी नहीं खाएगी तो कब खाएगी? अब इस मेरी गुड़िया को कोई नहीं डांटेगा। चलो बेटा कोई बात नहीं है, घबराना नहीं, आ जा इधर आ जा। ओके तू खा चॉकलेट। ओके थैंक यू दादा। ओके बेटा ओके। राघव तुम बैड बॉय बन रहे हो, तुम्हें कुकीज का बॉटल नहीं तोड़ना चाहिए था, अम्मा को लगा कि ये मैंने किया है। सौम्या किससे बातें कर रही हो? राघव से। मैं सच कह रही थी अम्मा राघव है, ये देखो ये रहा राघव, ये मेरी अम्मा है। चलो चलो सो जाओ, बहुत देर हो चुकी है। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। चलो राघव हम सो जाते हैं। श्रीनाथ मुझे सौम्या की चिंता हो रही है। क्यों क्या हुआ? आजकल वो किसी राघव के बारे में बातें करती रहती है और मैंने अभी भी उसे अपने कमरे में खुद से बात करते हुए देखा। मैं जानती हूँ राघव बस उसकी एक इमेजिनेशन है, लेकिन ऐसे तो। सुपर्णा तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, बच्चे अक्सर खुद से बातें करते रहते हैं, इसमें कुछ अनयूजुअल नहीं है। लेकिन अगर ये कोई सीरियस मैटर हुआ तो? हो भी सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो इग्नोर्ड फील कर रही है। नया घर मेरी नई जॉब, इसमें हम दोनों इतने बिजी हो गए हैं कि सौम्या के साथ वक्त ही नहीं बिता पाते। सुपर्णा तुम एक काम करो, जितना हो सके सौम्या के साथ वक्त स्पेंड करो। सौम्या सौम्या, अरे मेरी प्रिंसेस कहाँ हो तुम? हाँ ताता। देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। गिफ्ट। थैंक यू ताता। खुश खुश खुश, गॉड ब्लेस यू बेटा। अब तू अच्छी अच्छी ड्राइंग बनाकर अपने ताता को दिखाएगी? हाँ चल ओके डू इट।
मुझे प्यार करेंगे, तुम्हें नहीं। बचाओ। वो मेरे दादा भी है, उन्हें मुझे प्यार करना ही होगा। ये टी शर्ट तो सौम्या की नहीं लगती। क्या हुआ बेटा, क्या बात है? ये टी शर्ट हाँ हाँ ये टी शर्ट ही तो है। मामा, मैंने इस टी शर्ट पे खून देखा और ये हमारी नहीं है। खून? यहां तो कोई खून नहीं है बेटा, टी शर्ट है, प्रेस करने वाले से बदल गई होगी। इसमें तक घबराने वाली क्या बात है, है? और सुनो, मेरे लिए एक कप गर्मा गर्म कॉफी बनाकर ले आओ। ओके। ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो इस पे खून लगा था। लगता है ये टी शर्ट मैंने पहले भी कहीं देखी है, लेकिन कहाँ याद नहीं आ रहा। क्या बात है बेटा, क्यों रो रही हो तुम? आज मैं अपनी गुड़िया के लिए ऐसी चीज लाया हूं जिसे देख करके उसका मूड ठीक हो जाएगा। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो इस पे खून लगा था। लगता है ये टी शर्ट मैंने पहले भी कहीं देखी है, लेकिन कहाँ याद नहीं आ रहा। क्या बात है बेटा, क्यों रो रही हो तुम? आज मैं अपनी गुड़िया के लिए ऐसी चीज लाया हूं जिसे देख करके उसका मूड ठीक हो जाएगा। क्या? तुम बोलो, क्या बोलो, बोलो बोलो। कैमरा? बिल्कुल सही, मैंने अपनी गुड़िया के लिए कैमरा ही लाया है। थैंक यू दादा। कैसा लगा? वाह, बहुत अच्छा है। बेटा कैमरा तो तुम्हें बहुत पसंद है बचपन से। हाँ। और तुम्हें फोटो निकालने का भी बहुत शौक है, तो आज तुम अपने ताता की तरह तरह की फोटो निकालोगी। हाँ। ओके ओके, रेडी? मुझे तेरे टैटू चाहिए। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं। क्या बात है? फोटो लो, लो फोटो। तुम वहां? हाँ हाँ, लो बेटा, ऐसे लो। अरे बेटा क्या बात है, क्यों तुमने कैमरे क्यों फेंक दिया बेटा? नहीं घबराओ नहीं बेटा, मैं हूँ तुम्हारे साथ, चिंता नहीं करो बेटा। कोई कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, डरो डरो डरो।
कोई तो नहीं बेटा, कोई नहीं है। नो नो नहीं बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हां चलो बेटा, रोते नहीं है, रोते नहीं। ओके बेटा, तू तो बहुत अच्छा पैदा होना सीख गई है। वैसे तो ठीक तो है ना बेटा? आज सुबह जो कुछ हुआ ना, उससे डरना नहीं। यू आर माई ब्रेव गर्ल सौम्या। सौम्या, सौम्या कुछ बोलती क्यों नहीं बेटा? आता आता सौम्या, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, तो वहां तो मेरा मेरा पैर क्यों दबा रहा था? अरे अप्पा, आप भी चलते, सुना है बड़ी अच्छी मूवी है। नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, मैं घर पर ही आराम करता हूँ। वैसे भी आजकल के सुपर हीरो की पिक्चर हम लोगों को समझ ही नहीं आती है। ठीक है मामा, आप आराम कीजिए, खाना तैयार है, जब मन करे खा लीजिएगा। ठीक है बेटा, जाओ सोमिया। और सुन, मम्मी पापा को परेशान नहीं करना, ओके? हाँ, नहीं करना। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके, जा। ये आवाज कहां से आ रही है? ऊपर कौन है? ए, कौन हो तुम? और यहां क्या कर रहे हो? अरे जवाब क्यों नहीं देते? तुमको सुनाई देता है कि नहीं? जवाब दे दे, नहीं तो ए! मैं राघव, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, निकलो यहां से। आप मेरे भी ताता हो ना? मैं तुम्हारा ताता नहीं हूँ, समझे? चलो यहां से। आप मेरे ताता हो, आप हो मेरे ताता। अट! हो मेरे दादा। आप चलो। देखो देखो, मैं कहता हूँ आगे मत बढ़ो, मैं कहता हूँ देखो आगे मत बढ़ो। आगे मत बढ़ो। आपको मेरा ताता बनना ही होगा। रुक जाओ। बनना ही होगा मेरा ताता। रुक जाओ। बेटा, आपके दादा इस दुनिया से बहुत दूर जा चुके, वापस कभी नहीं आएंगे।
सौम्या क्या हुआ तुझे? उठ सौम्या, सौम्या, सौम्या। अम्मा, अम्मा मुझे आपको कुछ बोलना है। अम्मा वो राघव। बोल बेटा। बोल ना बच्चा, बोल। बोल बेटा। बोल बेटा। सौम्या। बोल बेटा क्या हुआ? क्या हो गया सौम्या? बोल ना बच्चे क्या हुआ? क्या हुआ? सौम्या बोल। सौम्या क्या हुआ? सौम्या। क्या हुआ सौम्या? बोल ना बेटा। क्या हुआ बच्चा बोल। कुछ तो बोल। अरे सौम्या। सौम्या। सौम्या बेटा। सौम्या। सौम्या बोल बेटा। सौम्या बोल ना बेटा बोल। सौम्या सौम्या सौम्या। अरे बच्चे क्या हुआ? लो सौम्या नाश्ता कर लो। लो पकड़ो चलो खाओ। कल से आपने कुछ नहीं खाया है। खा लो प्लीज। गुड गर्ल हो ना, खा लो। मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूं। क्या हुआ बच्चे? अरे अप्पा कितने अच्छे हैं ना। प्लीज मेरे अप्पा के साथ कुछ मत करना, उन्हें छोड़ दो। क्यों हमारी फैमिली को खराब कर रहे हो? अब तो वो मेरी भी फैमिली है। अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया ना तो तुम्हें तो पता ही है। प्लीज छोड़ दो ना प्लीज। पहुंचकर फोन कर देना। जब से अप्पा गए हैं सौम्या की हालत बिगड़ती जा रही है। कुछ दिन नानी के साथ रहेगी तो इसे अच्छा लगेगा। सौम्या, सौम्या बेटा चलो।
सौम्या, सौम्या बेटा चलो, देर हो रही है, चल बेटा चल। कम, क्या हुआ बेटा? आई लव यू पापा। आप प्लीज अपना ध्यान रखना। श्योर बेटा। बेटा डोंट वरी, गो एंड एंजॉय योरसेल्फ। चलो। अम्मा एक मिनट। पापा ये लो, मुझे आपको कुछ बताना था, मैंने इसमें लिख दिया, आप पढ़ लेना ठीक है। बाय अप्पा। बाय बेटा। ये क्या लिखा है सोम्या ने? क्या बताना चाह रही थी वो? और फिर श्रीनाथ जी की डेथ हो गई। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। दादाजी की डेथ तो लोगों को एक्सीडेंट लग रही थी, लेकिन श्रीनाथ जी की डेथ के बाद तो सब कुछ उस घर में बदल गया। हर कोई कहने लगा कि यहाँ पे कुछ है, लेकिन क्या ये कोई समझ नहीं पा रहा था। सुपर्णा अब बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, क्योंकि सौम्या की हालत सही नहीं थी और वो उसे कुछ बता नहीं सकती थी। चल सौम्या, बाकी की पैकिंग भी देख लेते हैं। चल ये तुम्हारी बुक है क्या?
अम्मा ये देखो राघव की स्केच बुक मुझे बेड के नीचे से मिली, इसमें कितनी सारी अच्छी अच्छी ड्राइंग्स है। लगता है ये टी शर्ट मैंने पहले भी कहीं देखी है। इसका मतलब वो राघव ही है जो सबको मारकर अपनी पेंटिंग में डाल रहा है। सौम्या ये सब राघव ने ही किया है ना? बोलो बेटा क्या क्या वो अभी यहां है? बोल सौम्या बोल। सौम्या की तरह प्यार करो ना। Thank you.
सौम्या बेटा, आपका स्कूल कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है आंटी। अच्छा है सुपर्णा, सौम्या पहले से बहुत बेटर लग रही है। एंड डोंट वरी, फिर टाइम तुम भी सब कुछ भूल ही जाओगी। ऊपर कोई है क्या? हाँ, मेरा बेटा। बेटा? लेकिन मुझे जहां तक पता है तुम्हारी तो सिर्फ एक बेटी है ना। सौम्य बेटा, अपने भाई से नहीं मिलवाओगी? तुम खुद ही मिल लो ना, तुम्हारे बगल में तो बैठा है। बगल में? सुपर्णा ने जाना कि राघव जो सबको डरा रहा था वो तो खुद ही हालातों का शिकार था। वो तो एक मासूम बच्चा था जिसको सिर्फ प्यार की भूख थी। उसने जो भी किया वो गलत था, लेकिन उसको सिर्फ एक हैप्पी फैमिली चाहिए थी, जो कि हर एक बच्चे का हक है। और आज सुपर्णा और सौम्या की लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। और उस दिन जब मैं सुपर्णा के घर गई और उसने मुझे राघव से मिलवाया तो मैं तो डर गई थी, लेकिन आज राघव उन्हीं के साथ रहता है।